अस्सलामुअलैकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपके साथ लेकर आई हूँ बहुत ही ज़बरदस्ती शादियों में बनने वाली, बाज़ार में बनने वाली, जो रेस्टोरेंट में हम खाते हैं, चिकन स्टीम की रेसिपी। किस तरह से आप चिकन को इतना सॉफ्ट बनाकर तैयार कर सकते हैं। घर में कोई दावत हो, कोई मेहमान आ रहा हो, तो आप फ़ौरन से इसको बनाकर सर्व कर सकते हैं। तो चलें जल्दी से वीडियो को बनाना स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर अभी तक आपने मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पे हमने एक बाउल लिया है और अब हम इसमें चिकन ऐड कर देंगे। यहाँ पर मैंने इस तरह से जो टिक्के के पीस होते हैं, तो हमने यहाँ पे इस तरह से चेस्ट पीस और जो लेग पीस होते हैं ये लिए हैं। इस तरह से हमने 6 पीसेस लिए हैं। अगर केजी में करें तो ये 2 kg चिकन है। चिकन को हमने अच्छे से वॉश कर लिया था और आप देख सकते हैं इस तरह से हमने इसमें डीप्स कट लगा लिए हैं। अब यहाँ पर चिकन में हम तकरीबन 1.5 लीटर पानी ऐड करेंगे। लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून। 1 टेबल स्पून नमक ऐड कर देंगे। वाइट विनीगर ऐड करेंगे 3 टेबल स्पून। अब इन सब चीज़ों को हम पानी में अच्छे से मिक्स कर लेंगे और यहाँ पर अब हम चिकन को इसमें डिप करके रख देंगे तकरीबन आधे घंटे के लिए, ताकि हमारी जो चिकन है उसमें जो भी ब्लड वगैरह है, उसकी जो भी स्मेल वगैरह है, वो सब रिमूव हो जाए। तो इस तरह से हम इसको फ्रिज में कवर करके रख देंगे आधे घंटे के लिए। तो अब यहाँ पर हम इसका मसाला तैयार कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 टेबल स्पून नमक। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम और ज़्यादा कर सकते हैं। 1 टेबल स्पून कुटी लाल मिर्च, 1 टेबल स्पून पिसी लाल मिर्च, 1 टीस्पून हल्दी, पिसा गरम मसाला 1 टीस्पून, 1/2 टेबल स्पून पिसी काली मिर्च, 1/4 टीस्पून अजवाइन, अजवाइन को हमने हल्का सा हाथों से क्रश कर लिया था, चिकन पाउडर 1/2 टेबल स्पून, 1 टीस्पून चाट मसाला, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, कुटा धनिया 1/2 टेबल स्पून, ऑरेंज फूड कलर 1/4 टीस्पून, 3 टेबल स्पून लेमन जूस, चिली सॉस ऐड करेंगे यहाँ पर हम 4 टेबल स्पून, 2 टेबल स्पून वाइट विनीगर, सोया सॉस 2 टेबल स्पून। अब इन सारों मसालों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आपको स्पाइसी ज़्यादा पसंद हो तो यहाँ पर आप मिर्चों की जो क्वांटिटी है, जो हमने इसमें मिर्चें ऐड की हैं, वो आप बढ़ा भी सकते हैं। देखिए मसाला यहाँ पर अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब यहाँ पर हम इसमें 2 टेबल स्पून दही ऐड कर देंगे और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए यहाँ पर हमारा जो मसाला है ये बिल्कुल तैयार है। अब इसको हम एक साइड पर रख देंगे। आधा घंटा हो चुका है और आप देख सकते हैं चिकन यहाँ पर हमारी बिल्कुल वाइट हो चुकी है। इसमें जो भी ब्लड वगैरह जो भी था इसका एक्स्ट्रा, वो निकल चुका है। पानी देखें आप, पानी का कलर किस तरह का हो गया है। अब यहाँ पर हम इस पानी को ड्रेन कर देंगे और चिकन को हम अच्छे से ड्राई कर लेंगे। देखिए चिकन का जितना भी पानी था वो सारा हमने ड्रेन कर दिया है और चिकन के पीस को हमने किचन टॉवल से अच्छे से ड्राई कर लिया है। आप देख सकते हैं इस तरह से आपने भी करना है। अब यहाँ पर हम इसको एक साइड पर रखेंगे। अब यहाँ पर एक पैन में हमने ऑयल लिया है, ऑयल को हम अच्छे से गर्म कर लेंगे। ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है। अब यहाँ पर जो चिकन के पीसेस हैं इनको हम लाइट गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लेंगे। तो इस तरह से हम इसमें ऐड कर देंगे। 3 से 4 मिनट हो चुके हैं चिकन को वन साइड से कुक होते हुए। अब यहाँ पर हम इसको टर्न कर लेंगे और देखें इसमें गोल्डन कलर आना शुरू हो चुका है। दूसरी साइड से भी हम इसी तरह से इसको 3 से 4 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। 7 से 8 मिनट हो चुके हैं टोटल यहाँ पर चिकन को फ्राई होते हुए और देखें दोनों साइड से हमारी जो चिकन है वो अच्छे से लाइट गोल्डन सी फ्राई हो चुकी है। अब यहाँ पर हम इसको प्लेट में निकाल लेंगे और बाकी जो चिकन है उसको भी हम इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। देखिए चिकन हमारी यहाँ पर फ्राई हो चुकी है। अब चिकन को हम अच्छे से ठंडा कर लेंगे। अब यहाँ पर हमने एक बड़े साइज का बॉल लिया है और इसमें हमने जो मसाला तैयार किया था ये ऐड कर देंगे। अब यहाँ पर हम इसमें ऐड कर देंगे 3 टेबल स्पून सफ़ेद तिल। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मसाला मिक्स करने के बाद अब यहाँ पर जो हमारी चिकन है ये हम इसमें ऐड कर देंगे। मसाले को हम चिकन के ऊपर अच्छे से मैरिनेट कर लेंगे। बिल्कुल अच्छे से आपने इसका मसाला जो है चिकन पे लगाना है। जो इसके कट्स हैं उनमें भी इस तरह से हम फिंगर की मदद से लगा लेंगे। इस तरह से हम सारी चिकन पे लगा लेंगे। देखिए सारा मसाला यहाँ पर चिकन पर अच्छे से लग चुका है। अब यहाँ पर हम इसको कवर कर 1 घंटे के लिए रख देंगे फ्रिज में, ताकि जो हमारी चिकन है वो अच्छे से यहाँ पर मैरिनेट हो जाए। 1 घंटा हो चुका है और हमने चिकन को फ्रिज में से निकाल लिया है और आप देख सकते हैं चिकन यहाँ पर हमारी अच्छे से मैरिनेट हो चुकी है। अब इसको हम एक साइड पे रखेंगे। अब यहाँ पर हमने कुकर लिया है और इस तरह से स्टैंड जो होता है वो हर घर में मौजूद होता है, ये हम कुकर में इस तरह से लगा देंगे।
यहाँ पर हम इसमें पानी ऐड करेंगे, तो हमें पानी इतना ऐड करना है कि जो हमारा स्टैंड है पानी उससे टच ना हो। और देखिए आप देख सकते हैं जो हमने पानी ऐड किया है वो हमारे स्टैंड से कितना नीचे है, आपका भी बिल्कुल इसी तरह से होना चाहिए। अब यहाँ पे हमने फॉइल पेपर लिया है, इस तरह से जो फॉइल पेपर होता है ये लिया है, और फॉक की मदद से हम इसमें छोटे छोटे से होल कर लेंगे इस तरह से, ताकि जब हम इसको स्टीम दें तो जो हमारी स्टीम है वो हमारी चिकन को अच्छे से लगे और चिकन का जितना भी एक्स्ट्रा पानी है वो सारा इन होलों से नीचे चला जाएगा। तो इस तरह से हम इसमें होल कर लेंगे। और अब यहाँ पर हम फॉइल पेपर को कुकर में सेट कर लेंगे। देखो बिल्कुल इस तरह से आपने सेट करना है कि जो हमने इसमें स्टैंड रखा है ये उसके ऊपर अच्छे से आ जाए। देखिए इस तरह से हमारे स्टैंड के ऊपर फॉइल पेपर आ चुका है और देखिए होल्स भी आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर जो चिकन के पीसेस हैं ये हम इसमें सही से ऐड कर देंगे। इस तरह से हम इसमें ऐड करेंगे, इस तरह से हम सारे ऐड कर लेंगे। देखिए इस तरह से यहाँ पर हमने सारे चिकन के पीसेस को इसमें सेट कर दिया है। यहाँ पर हमारे पास सफ़ेद तिल है, अभी हम इसके ऊपर इस तरह से स्प्रिंकल कर देंगे। आप चाहें तो आप इसके ऊपर ये ऐड करें, वरना आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। इससे क्या होता है हमारी जो चिकन स्टीम रोस्ट है इसकी लुक बहुत प्यारी आती है। देखिए इस तरह से हमने ये इस पर ऐड कर दिए हैं और इसके ऊपर भी हम इस तरह से फॉइल पेपर रख देंगे, ताकि जो भी हमारा जो पानी वगैरह स्टीम का निकलेगा, जो इस पर स्टीम से पानी आएगा तो वो यहाँ पर इस पर आ जाएगा, डायरेक्ट चिकन के ऊपर नहीं आएगा। तो इस तरह से हम इसको कवर कर लेंगे। साथ ही यहाँ पर हम इसकी विस्टल लगा लेंगे और अब यहाँ पर हम इसको 20 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे पकाएंगे और फिर हम इसका फ्लेम लो करके तकरीबन 15 मिनट के लिए हम इसको लो फ्लेम पे स्टीम होने देंगे। तो चलें हम इसको हम फ्लेम पे रखते हैं। देखिए तकरीबन 30 मिनट्स हो चुके हैं यहाँ पर इसको कुक होते हुए और अब यहाँ पर हमने इसकी जो स्टीम है वो रिमूव कर ली है। अब यहाँ पर हम इसका कवर हटाएंगे और जो फॉइल पेपर हमने इसके ऊपर रखा था अब यहाँ पर हम इसको रिमूव कर देंगे। और देखिए माशाल्लाह से यहाँ पर जो हमारे चिकन है वो अच्छे से कुक हो चुकी है। देखिए कितने अच्छे से ये स्टीम हुई है। अब यहाँ पर हम इसको डिश आउट कर लेंगे। देखिए ज़बरदस्ती हमारी चिकन स्टीम रोस्ट बिल्कुल बाजार जैसी बिल्कुल बनकर तैयार है। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी सी ये जो है कुक हुई है, स्टीम हुई है। देखिए बिल्कुल इतनी अच्छी स्टीम हुई है कि हमने इसको हल्का सा उठाया तो इसकी जो हड्डी है आप देख सकते हैं वो भी कितनी अच्छे से यहाँ पर कुक हो चुकी है। और मैं आपको बोटी भी तोड़ कर चेक करवाऊँगी। तो देखिए सिर्फ हाथ से यूँ इस तरह से उठाने में ही आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि कितनी अच्छी हमारी जो चिकन है वो स्टीम हुई है। बहुत मज़ेदार सी हमारी चिकन स्टीम बनकर तैयार हुई है। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और अब मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।